आ गए, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। हमारी यहाँ माइनॉरिटी को गले लगाया जाता है, गौरव भाई आप गलत हो, हमारी यहाँ माइनॉरिटी को सर पे बिठाया जाता है, आप अपने आप को करेक्ट करो गौरव भाई। हिंदुस्तान में भी मुसलमान थे, उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए वोट किया था। मोना आलम, पाकिस्तान का पाकिस्तान मुल्क जब भी खतरे में आता है तो वो कश्मीर का राग अलापता है, आपके प्रधानमंत्री जब खतरे में आते हैं तो वो मुसलमान राग अलापते हैं। देखिए अमीश, बात यह है कि जहां पर भी माइनॉरिटी होती है, जिधर भी माइनॉरिटी कोई भी हो, तो हम ये देखते हैं कि वो प्रेशराइज होती है और उसको मार्जिनलाइज किया जाता है, उसको दीवार से लगाया जाता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान में कोई बात ये कर रहा है कि इस्लामोफोबिया इंटरनेशनली बहुत ज्यादा है, मुसलमान जहां पर कम ही में है या फिर जहां पर माइनॉरिटी है मुसलमान वहां पर उनको प्रेशराइज किया जाता है, इसमें इमरान खान क्या कर लेंगे? इस्लामोफोबिया अगर दुनिया में ज्यादा हो रहा है तो उसमें इमरान खान क्या कर रहेंगे? अमित जी आज गौरव भाई से मैं एक जगह सहमत नहीं हूं, जो उन्होंने कहा, जो गौरव भाई ने कहा कि हमारी यहाँ माइनॉरिटी को गले लगाया जाता है, गौरव भाई आप गलत हो, हमारी यहाँ माइनॉरिटी को सर पे बिठाया जाता है, आप अपने आप को करेक्ट करो गौरव भाई, यहाँ पे हिंदुस्तान में माइनॉरिटी को सर पे बिठाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, मोना आलम जी ने कहा इस्लामोफोबिया है जी, बड़ा पैनल है, कम बोलूंगा, तो मोना आलम ये बता दे कि ज्यू फोबिया क्यों नहीं है, क्रिश्चियन फोबिया क्यों नहीं है, कन्फ्यूशन फोबिया क्यों नहीं है, पूरी दुनिया में हिंदू फोबिया क्यों नहीं है, इस्लामो फोबिया क्यों है, आज मोना आलम पूरे देश को यह बताएंगी, पूछिए इनसे। मोना जवाब, 30 सेकंड देना, आई विल गो टू जहां माइनॉरिटी में ये लोग हैं उनके लिए भी उसी तरह से जमीन तंग है, ये तो मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन इस्लामोफोबिया एक बहुत बड़ा एक फिनोमिनन इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड लार्जेस्ट जो मजहब के लिहाज से आबादी है वो मुसलमानों की है, लेकिन उसके बावजूद अगर उनके लिए इस्लामोफोबिया है तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, ये इसलिए हम बात कर रहे हैं। और अगर दुनिया का कोई भी लीडर इस्लामोफोबिया उनके लिए आवाज उठाता है तो क्यों है? हमने ये तो नहीं कहा कि इस्लामोफोबिया गलत है, लेकिन ज्यूफोबिया ठीक है या हिंदूफोबिया ठीक है, नो, वो भी उतना गलत है, हम तो यही बात करते हैं। नहीं, इस्लामोफोबिया क्यों है, व्हाई बुरा होता है तो उसके लिए इस्लामोफोबिया मोना आलम क्यों है, व्हाट डू यू थिंक इस्लामोफोबिया क्यों है, व्हाट इज द रीजन ऑफ इस्लामोफोबिया, आई एम आस्किंग यू व्हाई। मोना बताइए। मोना रिजवान की बात की बात का जवाब, आपकी आवाज मेरी तरफ कट गई थी, मुझे मैंने ये किया कि मैंने क्यों है यही मैंने आपसे कहा, मैं उसका शायद जवाब दे रही थी, आई डोंट नो कि उसकी आवाज आप तक गई कि नहीं गई, मैं कह रही हूँ कि हम ये तो कह ही नहीं रहे ना कि इस्लामोफोबिया गलत है लेकिन ज्यूफोबिया बहुत अच्छा है या हिंदूफोबिया बहुत अच्छा है, वो भी उतना ही गलत है, हमारी तरफ अभी आप कह रहे थे आप तो वही तो रिजवान पूछ रहे हैं क्यों क्यों सर पर बिठाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, आप तो इस्लामोफोबिया क्यों है ये बताइए, इस्लामोफोबिया क्यों है, इस्लामोफोबिया होना क्यों है, व्हाई। नहीं, आप एक सेकंड रिजवान, आप बताएंगे ज्यूफोबिया क्यों है या हिंदूफोबिया क्यों है, इसलिए कि जहां पर भी माइनॉरिटी में कोई भी मजहब है उसको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने मैं बताता हूँ मोना मोना ज्यूफोबिया इस मारे नहीं है या क्रिश्चियन फोबिया इस मारे नहीं है क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि ज्यूफोबिया या हिंदूफोबिया या क्रिश्चियन फोबिया हो, सीधी बात है। नहीं, ऐसी बात नहीं है आप फिर तो आप ये कह रहे हैं, आप तो इस्लामोफोबिया को ये कहकर बढ़ावा दे रहे हैं कि क्योंकि आप एक मजहब को, कोई भी अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है या कोई भी चीज होती है आप उसको एक इंडिविजुअल से अटैच करते हैं, आप उसको मजहब से अटैच करते हैं, इंटरनेशनल थ्योरी में जिहाद है, इस मारे हमें कम्युनिटी को अटैक करना पड़ता है क्योंकि मुस्लिम नेशंस की फॉरेन पॉलिसी में
जिहाद है इस मारे। फिर आपकी फिर अफसोस की बात है रिजवान जी कि आपको शायद जिहाद का मतलब नहीं पता। जिहाद का मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने आप पे बम मार के अब खुद मर जाऊं और दूसरों को भी मार दूं। नो, जिहाद का तो मतलब है बदी के साथ जो नजर आता है वो यही आता है। मोना 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 जो नजर आता है वो यही आता है। एक्चुअली में जिहाद का क्या मतलब है लोग भूल चुके। जो नजर आता है वो यही आता है। फिर आप अगर बात ही कर रहे हैं तो वो तो फिर मिस क्रिएट हुए ना। आप उसको मजहब के साथ क्यों अटैच कर रहे हैं? फिर तो आप उसको इंडिविजुअल के साथ अटैच करें। वो मिसकंसेप्शन इस्लामी मुल्कों ने क्रिएट किया है। वो मिसकंसेप्शन हिंदुस्तान ने क्रिएट नहीं किया है। वो मिसकंसेप्शन पाकिस्तान ने क्रिएट किया है। अफगानिस्तान ने क्रिएट किया है। सीरिया ने क्रिएट किया है। ये मुस्लिम मुल्कों ने क्रिएट किया है। मोना जवाज पर इन्वेड कर दिया गया। एक सेकेंड, आप ये भी तो देखे ना, उन मुसलमान मुल्कों ने ये इंप्रेशन क्रिएट किया है जिनको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ढूंढने के एक फजूल से जवाब पर इन्वेड किया गया। मोना के तमाम मोना अलग इन्वेड वियतनाम भी हुआ था। जैसे कोई अल्लाह मोना अलग मोना 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 इन्वेड वियतनाम भी हुआ था लेकिन वहां टेररिज्म नहीं आया। इन्वेड वियतनाम भी हुआ था मोना लेकिन वहां जिहाद नहीं आया। जापान पर भी एटम बम मारे गए थे लेकिन वहां जिहाद नहीं आया। नहीं, ये बात भी आपको गलत है क्योंकि मैं एक जी, श्योर, आप